छिंदवाड़ा के परासिया पेंच क्षेत्र की उर्धन कोयला खदान में इन दिनों प्रबंधन और ठेकेदारों के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसका असर खदान में उत्पादन को पड़ रहा है। यहां खदान में काम कर रही ठेका कंपनी के जिम्मेदारों ने खदान प्रबंधन पर टारगेट बाधित करने की नीयत से अड़ंगे लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। बीते गुरुवार को उर्धन कोयला खदान में प्रबंधन और स्टारएक्स कंपनी के सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ विवाद का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रबंधन और ठेकेदार के लोगों द्वारा शिवपुरी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। अब इस मामले में स्टारएक्स कंपनी के प्रबंधक इंद्रपाल सिंह और अंकुर शर्मा ने खदान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि उन्हें खदान के अंदर मजदूरों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, न ही मजदूरों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने दी जा रही है। हमको यहाँ एक्सटेंशन मिला है जिसमें मेरा टारगेट पर डे 9000 क्यूबिक मीटर वो भी निकालने का है। उसके हिसाब से ना तो मेरे को ब्लास्टिंग करके दी जा रही है, तो ब्लास्टिंग करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। चाहे कोई भी काम हो, अगर हमें हमारा बिल पे साइन करवाने हैं तो उसके लिए भी बोला जाता है कि पहले मेरे को पैसे दो, उसके बाद बिल साइन करूंगा। ब्लास्टिंग के लिए बोलने जाते हैं तो बोलते हैं पैसे दो, तब ब्लास्टिंग होगी। और मैं बाकी आपको वीडियो भी दिखाया हूँ कि बिना पैसे दिए अगर ब्लास्टिंग कराओगे तो बड़े बड़े बोल्डर निकलेंगे और उसके बाद हमारे साथ बहस करेंगे। इस सब मामलों की शिकायत हम कई बार मेल के थ्रू इनके उच्च अधिकारी CMD EDT सबके पास कर चुके हैं, जो हमारे पास मेल भी है। किसी भी इनके डिपार्टमेंट के किसी भी उच्च अधिकारी को बुलवा लीजिए, हमें जो भी अप्रूवल जहाँ भी OB वगैरह डालने की या कोयला डालने की अप्रूवल दी गई है, उसके बाद अगर हमने कहीं भी कुछ भी डाला हो तो उसके जिम्मेदार हम हैं। इनका आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है सर, क्योंकि यहाँ पे जो इनके द्वारा कोयला चोरी की जाती थी उसकी हमने ऊपर तक रिपोर्ट कर रखी है। उसी दिन से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे इनको यहाँ से भगाया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।